नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान सुफलाम क्लासेस जयपुर से। मित्रों, रेट आने की तैयारी है और लगातार हमें अब तैयारी करनी भी है। मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लें कि रेट में फर्स्ट लेवल में और सेकंड लेवल में कितने पेपर हैं। फर्स्ट लेवल में भाग वन और भाग टू दो आते हैं संस्कृत में। फर्स्ट भाग में क्या सिलेबस है, सेकेंड भाग में क्या है। वहीं पर लेवल जो टू है यानी सेकंड जो है, जो बीएड वालों के लिए विशेष है, उनमें भी भाग प्रथम और भाग द्वितीय दो आते हैं लेवल टू के लिए, उसका संस्कृत का सिलेबस क्या है। हम अच्छे जानते हैं 30 ही क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आएंगे कहाँ और हमें फॉर्म भरने से भरते समय भी ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा संस्कृत का कौन सा भाग लेना है, क्योंकि एक तो हम हिंदी लेंगे और एक अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक यानी कि संस्कृत लेंगे, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाग यदि आपने द्वितीय लिया है तो आपको वहाँ पेपर में भी भाग द्वितीय ही करना होगा, प्रथम नहीं करना होगा। यदि आपने गलती से भी कि पहला भाग जो भाषा ली आपने हिंदी ले ली, दूसरी भाषा आपने संस्कृत ले ली, अब प्रश्न सबसे बड़ा ये हो गया है कि आपने प्रथम भाग में तो प्रथम भाषा जो थी वो कर ली है, हिंदी कर ली है, और दूसरे भाग में जहाँ संस्कृत जा रहे थे उसमें भी भाग पहला ही वाला ही कर दिया है आपने, तो ऐसी स्थिति में आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। और 30 नंबर ये बहुत खास है। मित्रों, चारों तरफ से वैकेंसियों की तैयारी शुरू हो चुकी है, राजस्थान सरकार की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। हमें अब तैयारी में जुट जाना चाहिए और मैं आपका पूर्ण सहयोग करना चाह रहा हूं। जरा से देखें सिलेबस भाग वन में यानी भाग वन और लेवल वन में यानी 1 से 5 तक में, भाग वन में संस्कृत में वो 6 टॉपिक ऐसे क्या हैं जिनसे वो 5-5 प्रश्न बनाएगा, कुल मिलाकर के 30 प्रश्न बनाएगा, और उसी पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले देखें भाग एक, कक्षा 1 से 5 तक, लेवल 1। हमारे टॉपिक है कुल कितने हैं, सबसे पहले तो ये जानना होगा। 6 टॉपिक हैं हमारे और 6 टॉपिक में से वो 5-5 प्रश्न बनाएंगे। नंबर 1, लेवल 1 भाषा में 2 गद्यांश आएंगे। एक गद्यांश, ये पहला गद्यांश जो होगा वो व्याकरण प्रश्नों पे होगा जिसपे 5 प्रश्न आएंगे। लेकिन कहा सर, इनमें इस गद्यांश में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें याद समझना ही होगा ताकि हम वहां पर वो 5 प्रश्न कर पाए। पहला पॉइंट गद्यांश जिसमें व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे, शब्द रूप सबसे पहला है, शब्द रूप। दूसरा है मित्रों धातु रूप। तीसरा है कारक। चौथा है विभक्ति। पांचवा है उपसर्ग। छठा है प्रत्यय। सातवा है संधि। आठवा है समास। नौवा जो रखा गया है सर्वनाम। दसवा है विशेषण। और 11वां जो रखा गया है वो रखा गया है अव्यय। इन 11 पॉइंटों में से वो 5 प्रश्न बनाएगा किन्हीं 5 पॉइंट में। ध्यान रखिएगा, गद्यांश नंबर 1 में वो व्याकरण के 5 प्रश्न पूछना होगा। वहीं पर दूसरा जो प्रश्न आएगा वो भी गद्यांश ही आएगा, इसमें भी 5 प्रश्न पूछेगा परीक्षक। कहां से कैसे पूछेगा, रेखांकित पदेशु। क्या क्या पूछ रहा है वो, क्रियापद में वचन, क्रियापद का चयन, क्रियापद में लकार, लिंग ज्ञान,
और हमारे जो है पंच लकार, जिसमें लट, लिट, लोट, लंग और विधिलिंग, इनके पांच हैं। ये पांच लकार तो हमें कम से कम ध्यान रखने ही होंगे। दूसरे गद्यांश का हाल ये है, यानी 10 क्वेश्चन हमारे पूरे कवर हो गए। तीसरा जो पॉइंट है उस पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट पर उसका पहला यह आएगा, वाच्य परिवर्तन। पांच प्रश्न बन रहे हैं या तीसरे पॉइंट से भी, जो कि किस में कौन से लकार में, लट लकार में ही है। दूसरा पॉइंट हमारे हैं प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण करवाएगा, ध्यान रखो। तीसरा एग्जामिनर अशुद्ध, अशुद्धि संशोधन, चौथे में संस्कृत सुक्तियां, एक सुक्ति का प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखिएगा। और पांचवा जो प्रश्न उसका रहेगा संस्कृत अनुवाद। कहा साहब, इसके बाद में चौथा पॉइंट पहले लेवल में और क्या है? चौथे पॉइंट में जाएं तो वह पांच प्रश्न कहां कहां से पूछने में है ध्यान रखना होगा। संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, और दूसरा टॉपिक जो है उसका संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। ये आपके पास बिल्कुल सामने है। फिर आपका आया पांचवा पॉइंट, पांच नंबर का ये चौथा प्रश्न है। पांच क्वेश्चन में आराम से पूछेगा वो। अब बात करते हैं हम पांचवे पॉइंट की, जहां पर आएगा संस्कृत भाषा कौशल, जहां पर श्रवणम, संभाषणम, तीसरा है आपका पठनम और चौथा है आपका लेखनम। एग्जामिनर ने जो सिलेबस में दिया है उसका कहना है कि पांच प्रश्न वो यहां से पूछेगा। छठवां जो टॉपिक है उसमें चलें, ये भी पांच ही का ही है, मूल्यांकन पहला टॉपिक। दूसरा है मौखिक एवं लिखित प्रश्नों के प्रकार। फिर परीक्षक यही लेके जा रहा है सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। कुछ पांच प्रश्न इस तरह से पूछेगा, तो हर टॉपिक से पांच पांच प्रश्न हैं, पांच गद्यांश से, दूसरा भी गद्यांश देगा पांच प्रश्न, तीसरा भी जो दिया वाच्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण, शुद्धि संशोधन, सुक्ति और संस्कृत अनुवाद। पांचवा जो चौथा पॉइंट है उसमें वो शिक्षण विधियां, व्याकरण भाषा की शिक्षण सिद्धांत, पांचवें टॉपिक में उसने दिया है एग्जामिनर ने हमें कि ये चार जो सोपान है आपके, जिनको आप कौशल कहते हैं, उन पे वो पूछेगा। और छठा जो है हम सीधी बात करें, जिसमें मूल्यांकन आएगा, मौखिक एवं लिखित प्रश्नों के प्रकार होंगे, सतत मूल्यांकन होगा और उपचारात्मक शिक्षण होगा। एक बार गौर करके देख लें, ये भाषा प्रथम कक्षा 1 से 5 तक का है, लेवल फर्स्ट का पहला भाग। अभी दूसरा भाग भी हम देखेंगे लेवल फर्स्ट का ही। यदि मित्रों आप लेवल फर्स्ट में संस्कृत द्वितीय भाषा लेते हैं तो वहां पर वो 30 जो प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि आपके यहां 30 तो प्रश्न हैं और 30 ही अंक हैं। किस तरह से एग्जामिनर प्रश्न पेपर का बंटवारा करेगा हमें यह ध्यान रखना ही होगा। परीक्षक
एक आपको यहां भी गद्यांश देगा और व्याकरण के संबंधी प्रश्न होंगे, पांच प्रश्न कम से कम, पांच प्रश्न होंगे कम से कम, नहीं पांच प्रश्न देगा ही। लेकिन यहां भाषा द्वितीय है, फर्स्ट लेवल का ये ध्यान रखें, क्या परिवर्तन है उसे भी ध्यान करते हुए चले। नंबर एक पॉइंट यहां भी है शब्द रूप, दूसरा है धातु रूप, तीसरा प्रश्न पूछेगा कारक से, विभक्ति से पूछेगा, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से, सर्वनाम, लकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग और चौथा पॉइंट है अव्यय। पॉइंट बढ़ गए हैं यहां पर, जरा सा ध्यान रखें। विशेष्य, विशेषण, लिंग एवं अव्यय, कुल 14 पॉइंट हैं, याद रखें। इन 14 पॉइंटों से परीक्षा किसी भी पॉइंट, पांच पॉइंटों से वो सीधा सीधा प्रश्न बनाएगा गद्यांश में। भाषा द्वितीय फर्स्ट लेवल में यदि आप लेते हैं तो दूसरा आपको आएगा गद्यांश, सॉरी पद्यांश आएगा आपके, और पांच अंकों का ये होगा, पांच प्रश्न होंगे। पहला टॉपिक संधि, दूसरा समास, तीसरा कारक, चौथा प्रत्यय, पांचवा लकार, छठा छंद, सातवा विशेषण और आठवां सर्वनाम, नौवां लिंग। ये आपके रहेंगे इस टॉपिक में, जो कि आपको एक श्लोक दिया जाएगा। नौ टॉपिकों में से पांच टॉपिक को आपसे पर प्रश्न बनाए पूछेगा। तीसरे टॉपिक की हम बात करें जिसमें भी पांच प्रश्न आएंगे, जिसमें वाच्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्तियां, और पांचवा जो टॉपिक रखा उन्होंने संस्कृत अनुवाद का। फिर आता है आपके चौथा टॉपिक। चौथे टॉपिक में यहां ढंग से ध्यान रखिएगा क्या क्या है उसके अंदर, एक जैसा सिलेबस नहीं है। संस्कृत भाषा शिक्षण विधेय, विधियां हैं। दूसरे टॉपिक में संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत हैं। तीसरा टॉपिक संस्कृत भाषा अभिरुचि प्रश्न है। चौथे टॉपिक में यह है जिसमें से पांच प्रश्न वो बनाने का कार्य करेगा। पांचवे टॉपिक की हम बात करें तो संस्कृत भाषा कोशलम, वही चार हमारे पास हैं, एक श्रवणम, संभाषणम, और पठनम और लेखनम। हर टॉपिक से पांच प्रश्न बनेंगे एग्जामिनर के, हमें ध्यान ही रखना होगा, कहीं भी हम उतार चढ़ाव नहीं कर सकते,
क्योंकि लगार जहां पूछ रहा है वहां सीधा सीधा सा ही है, वो वाच्य परिवर्तन पूछेगा लट लगार में। फिर आ गया आपका छठा पॉइंट जिसमें है मूल्यांकन, मूल्यांकन के साथ में लिखित, मौखिक प्रश्न प्रकार, लिखित मौखिक प्रश्नों के प्रकार पूछेगा, सतत मूल्यांकन और आपका उपचारात्मक शिक्षण वो पूछने की तैयारी में रहेगा। इस तरह से सेकंड लेवल में भी यानी कि भाषा द्वितीय में लेवल्स फर्स्ट में आपसे यदि आप रिट कर चुके हैं यानी कि आप जो है बीएसटीसी कर चुके हैं या उसके समतुल्य हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप फर्स्ट लेवल में भाषा जो आप लेते हैं संस्कृत लेते हैं उसमें और भाषा द्वितीय लेते हैं संस्कृत में, तो आपको उसके अंतर्गत एक गद्यांश मिलेगा, एक पद्यांश होगा और ये दोनों के दोनों पांच पांच जो प्रश्नों के होंगे। वहीं पर पांच नंबर का आपका तीसरा पॉइंट है जिसके अंदर ये टॉपिक्स हैं। फिर आपका चौथा टॉपिक जो है उसके अंदर ये तीन चीजें हैं जिसमें विधि है, सिद्धांत है और रुचि प्रश्न है। पांचवा जो टॉपिक है उसमें आपका कौशल के हैं प्रश्न और छठवें में आपके मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन के प्रकार, सतत मूल्यांकन और औपचारिक मूल्यांकन। इस प्रकार से हमारे पास में ये वो सारे वो हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने और प्रश्न पूछता है बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। यदि हमने वहां तैयारी एग्जाम के अनुसार नहीं करी तो निश्चित रूप से हम वो चेहरा ही नहीं पहचान पाएंगे जो सही आंसर होगा उसका, और कहीं ना कहीं हमसे वो कोई भूल ना हो जाए, कहीं गलती से भी वो भूल ना हो जाए, कि ईश्वर इतनी कृपा करें कि भूल से भी कोई भूल हो ना। और ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले सिलेबस को ध्यान रखना होगा कि सिलेबस के अंतर्गत है क्या। मित्रों हम लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए संस्कृत में हमें अधिक अंग लाने में समस्या नहीं होगी यदि हम सिलेबस को मध्य में रखते हुए और भूत पहरे के आए हुए विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हम रखे सामने, तो हमें सामने दिखाई देता है कि वह अपने सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जल्दबाजी ना करें, ढंग से देखें एक बार। मित्रों अब प्रश्न है कि हमने भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय लेवल प्रथम की देखी, लेकिन का साहब ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है कुछ बच्चों को, आइए मैं उसको और सरल बना देता हूं आपके लिए। अंक है, प्रश्न है 30 और अंक भी कितने हैं 30। अब इसको हमें भाषा कौन सी है संस्कृत, हमें मिलेगा क्या क्या, एक मिलेंगे व्याकरण के प्रश्न, दूसरा हमें एक नया पॉइंट क्या मिला छंद, और तीसरा क्या मिला हमें शिक्षण विधियां जिसके अंतर्गत सब कुछ आ गया, सिद्धांत विद्वान सारे आ रहे हैं। तो हमारे सामने एक स्थिति खड़ी है कि अधिकांश से प्रश्न किसके बना रहा है वो व्याकरण के, तो यदि बंटवारा करें तो 1-14 इसके, इसके कितने आपके 1 और शिक्षण विधियों के 15। अब हम इन दोनों का बंटवारा करके देखते हैं इनका कैसे किया गया। तो हमने जरा सा देखें लेवल प्रथम का, और तो क्या किया जाएगा, गद्य आएंगे क्या आपके दो गद्य आएंगे, तो दो गद्य आए हैं तो वहां पर 5-5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रश्न जो पैराग्राफ जो आपको दिया गया है वो 5-5 क्वेश्चनों के हैं, तो इस हिसाब से गद्यांश हो गए हमारे 10 नंबर के। लेकिन बात वही करें कि भाषा द्वितीय ले हम फर्स्ट लेवल में, तो 1 तो आएगा गद्य और 1 क्या आएगा पद्य, पद्यांश का भी कितना आएगा 1 ही, 5 का 1 5 का 1। यदि मैं बात करूं फर्स्ट लेवल प्रथम भाषा की तो उसमें दोनों ही क्या आएंगे गद्यांश आएंगे, पद्यांश नहीं आएगा। लेकिन भाषा जो द्वितीय है लेवल फर्स्ट की उसमें 1 गद्यांश आएगा 1 पद्यांश आएगा, तो 5 प्रश्न किसके हो गए गद्यांश के और 5 प्रश्न हो गए पद्यांश के।
अब क्या बच गया? कैसा व्याकरण जो संबंधी उच्चारण स्थान वगैरह हैं, वो कितने के? वो भी तो पांच के आएंगे। जरा सा देख के चले, जल्दबाजी ना करें। व्याकरण के वो पांच हैं हमारे पास प्रश्न, सब सीधे सीधे वो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। तो कितने नंबर का हो गया यदि हम लगा के देखें फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का, तो 15 प्रश्नों का हो गया। अब बात करें हम इस पर 15 नंबरों को कैसे बांट रहा है। कौशल है क्या? हाँ, कौशलों में एग्जामिनर अपने पेपर में पांच प्रश्नों की बात कर रहा है, वहीं पर संशिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियों की बात कितनी कर रहा है सिलेबस में, विधेय और सिद्धांत की बात करें यदि फर्स्ट लेवल है तो, और यदि सेकंड लेवल की सेकंड भाषा की बात करें तो एक पॉइंट और जुड़ गया। वो पॉइंट कितने जुड़ गया? उसका नाम है अभिरुचि। कितना कवर हो गया साहब? पांच प्रश्न। फिर आ गया हमारा मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन आदि आदि जो भी था वो मूल्यांकन के अंतर्गत पांच प्रश्न। कितने हो गए टोटल मिलाकर के? 15 प्रश्न। यदि हम इस तरह से दोनों चीजों का बंटवारा और सिंपल ढंग से करें और फिर तैयारी में लगे, एकजुट बनकर के अपने दिमाग को स्थिर करके, तो निश्चित रूप से आपका भाषा प्रथम फर्स्ट लेवल, चाहे भाषा द्वितीय फर्स्ट लेवल हो, आराम से 29 नंबर 30 में से आएंगे। ये एक नंबर कहां गया? ये हम अपने विवेक से या तो खो देते हैं या परीक्षक का वो एक प्रश्न गलत हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है। और नंबर आराम से 30 में से 29 हम ले आते हैं। और ये समझ लीजिएगा, यदि आपका संस्कृत में और हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर है तो याद रखिएगा, जो सेकंड लेवल का हो चाहे फर्स्ट लेवल का हो, सिलेक्शन में सबसे ज्यादा कार्य करती है ये भाषा। आइएगा आगे बढ़ते हैं मित्रों। फर्स्ट लेवल वाले जो बीएसटीसी की कर रहे हैं या कर चुके हैं या फाइनल में हैं मित्रों, उनके लिए इस बार की ये वैकेंसी बहुत ही सुनहरा मौके में रहेगी। समय पर परीक्षा भी होगी और समय पर परिणाम भी आएगा। इसके लिए आप वैकेंसी का वेट ना करें, क्योंकि यदि आप वैकेंसी आने के बाद आते हैं और तैयारी करते हैं बाद में शुरू करते हैं, तो 15 से 20 दिन तो हमें इस शहर में, इस जयपुर शहर में रहने या मन लगाने में लग जाते हैं, और इतने ही बाद में इतनी भीड़ हो जाती है कि हम लोग अध्यापक से पूछ भी नहीं पाते। कम से कम हम फर्स्ट लेवल वाले विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे यहाँ सिलेबस में जहाँ एक और मनोविज्ञान है, सर्वप्रथम हम देखें कि जो दो भाषाएं होगी हमारे हाथ में, पहली भाषा हमारे हाथ में हिंदी है और दूसरी भाषा हमारे हाथ में संस्कृत है। फिर हमारे फर्स्ट लेवल में मनोविज्ञान है, गणित है और पर्यावरण है। टॉपिक हमारे पांच हैं और पांचों के प्रश्न कितने हैं वो भी ध्यान रखें। इन पांचों में ना केवल शिक्षण विधियां 15 नंबर की हैं, अपितु व्याकरण और उनके नियम भी कितने के हैं? 15 नंबर के हैं। मनोविज्ञान में जहां एक और सिद्धांत और तरीके पूछे जाते हैं वो भी कौन से, हम देख चुके हैं पिछला पेपर कि परीक्षक अब जो रटे रटाए हैं उनमें से ना पूछ करके अब बेसिक प्रश्न पूछता है। थोड़ा सावधान रहें, ऐसी स्थिति में हमारा ये पूरा का पूरा 150 प्रश्नों का पेपर है। सोच के लगा के देखिएगा, पहले कम से कम और फिर अधिक से अधिक। हमारा टारगेट कम से कम रहना चाहिए 125, कम से कम कि 150 में से 125 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हो, ताकि हमारा सिलेक्शन में यदि वो किसी भी प्रकार की भी अड़चन ना आए, ना किसी जो है वर्ग विशेष की, ना ही किसी अन्य किसी फैक्टर की, ध्यान रखिएगा विशेष। ऐसी स्थिति में मान लीजिएगा आपके पास हिंदी में 22 नंबर लेके आ रहे हैं और संस्कृत में 29, यहां आप कर रहे हैं 20, यहां आप कर रहे हैं 25 और यहां आप लेके गए
चॉइस, आंकलन में से बिठा के देखिए क्या हमारा स्कोर अधिक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो हमें कोशिश करनी होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 100 तो वैसे ही हो गए, 9 और 9 18, 18, 19, 20। हम केवल अभी तक अपने टारगेट से बहुत नीचे चल रहे हैं और उनकी न्यूनतम कितना कम से कम चाहिए, 125 चाहिए, तब जाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारा अब टीचर में सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि लगातार जो परसेंटेज बढ़ रही है और बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये नहीं सोच सकते कि इस बार इतनी गई है तो अगली बार 2-1% बढ़ेगी। क्योंकि उछाल जो आता है वो योग्यता पे आता है, ना कि किसी अन्य कारण से, ना ही किसी पेपर के आउट होने से, ना ही किसी अन्य कारण से। क्योंकि 100 सीटें हैं मान के चलें, और यदि 20 सीटों में कुछ हुआ भी है तो 80 सीटों में उछाल मेहनत की वजह से आता है, ना कि किसी अन्य वजह से। ध्यान रखिएगा, हम टारगेट से बहुत दूर हैं, तो हमें यहाँ पर अपना टारगेट कहाँ और बढ़ाना होगा। इस सिलेबस के लिए तैयार करने के लिए अभी से ही आपको अपने स्थान से निकलना होगा तैयारी के लिए, और ये पूरे जोश के साथ में कि अब हम सरकारी अध्यापक बन के ही लौटेंगे। क्योंकि आपकी जो 15 साल की मेहनत है उसका वो फल आने वाला है, लेकिन वो फल यदि माली जो है जब फल पक रहा हो और उस समय ध्यान ना दे उस फसल पे, तो निश्चित रूप से है कौवे चिड़िया ही खा जाएंगी उस फसल को। तो आप अब आपको अपने आप पे ध्यान रखना होगा कि आपका हर हालत में वो सिलेक्शन होना ही चाहिए जिसके लिए आपने बीएससीसी या उसके समतुल्य जो डिग्रियां ली हैं, वो तभी कामयाब होंगी जब आप कम से कम 6 महीने लगन के साथ में, मेहनत के साथ में एक एक चीज को समझते हुए आप ये कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका टारगेट जो है 125 मेरे अनुसार सामान्य रूप से होना चाहिए। तब तो हम ये कहें कि हमने वाकई में ही बीएसटीसी या 12वीं में अच्छी परसेंटेज या हमने मेहनत की है, और आप में मेहनत कर रहे हैं, मुझे ध्यान है, मुझे मिल रहे हैं आपके द्वारा सूचनाएं जो मुझे मिल रही हैं, बहुत लगन के साथ कर रहे हैं, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग नहीं हो कर पा रहे हैं, किताबें गाड़े रट रहे हैं, छोड़िए इन्हें। यदि इतनी मेहनत तो आपने कहीं पहले भी नहीं करी, जो गाइडें किताबें लेके बैठे हैं वो भी रिट में किताबों की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हमने 15 साल पढ़ा क्या? फिर हमें तो अब केवल दिमाग चलाना है और केवल उस विषय से पढ़ना है जो हमें पेपर में जीतना सिखाए। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा 100% कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, चाहे भीड़ हजारों नहीं लाखों की बैठे, मुझे तो आपको जिताना है, बस आपको जिताना है। और इसीलिए यही संकल्प लेकर के मैं आपके सामने खड़ा हूं कि जो भी बच्चा आ रहा है वो इस जयपुर शहर से निराश होके ना जाए, उसे वो मिले ही। क्योंकि कब पॉइंटों में चली जाए परसेंटेज, कौन सा क्वेश्चन डिलीट हुआ नहीं कि पॉइंटों में गई नहीं और वो पॉइंटों में रुक गया है, ये ऐसा ना हो। क्योंकि बेशक आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, कितने भी पेपर पास क्यों ना किए हों, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव एक ऐसा पेपर होता है, यदि उसमें पेपर के अकॉर्डिंग तैयार ना की गई हो तो पीएचडी वाले फेल हो जाते हैं। जिन्होंने पीएचडी कर रखी सब्जेक्ट में, वो अपने ही सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में मित्रों, आप लोगों का जो गर्म खून है और युवा हैं आप, तो मैं कहूंगा इस जोश को बरकरार रखने के लिए आपको अगली सफलता लेनी ही होगी। क्योंकि अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि एक सफलता लेने के बाद में जल्दी ही दूसरी सफलता ले लेनी चाहिए, अन्यथा दुनिया कहेगी कि पहली सफलता तुक्के में मिल गई थी। और मित्रों, मुझे पता है आपको तुक्के में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि और इस बेरोजगारी से निकलना है तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाते हुए आइए जयपुर सफलाम क्लासेज में, आपका भव्य स्वागत है। जिस दिन आएंगे उसी दिन से स्वागत है, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।